हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भी का हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंड में। मैं हूं अविनाश सिंह। हम लोग कर रहे थे पॉलिटी की सीरीज, उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है संसदीय समितियां। संसद की जो विभिन्न समितियां होती हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। संसदीय समितियां पार्लियामेंट्री जो कमेटी होती हैं उनके बारे में देखेंगे और जो अन्य कमेटी होती हैं उनके बारे में भी देखेंगे। तो जो संसदीय समिति वाला जो टॉपिक है, यानी कि सरकार से संबंधित जो भी समिति होती हैं उनकी हम बात करें, तो जो समिति होती है दो प्रकार की होती है। एक तो संसदीय समिति जिसमें संसद सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। एक होती है परामर्शदात्री समिति, परामर्शदात्री समिति, इनको बोलते हैं कंसल्टेटिव। इंग्लिश वर्जन याद रखिए, कंसल्टेटिव कमेटीज, COMMI। ये हो गया परामर्शदात्री कमेटी, ये होते पार्लियामेंट्री। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी और परामर्शदात्री समिति, ये दो होती है महत्वपूर्ण, ठीक है। अब इनके अंतर्गत देखते हैं इसके अंतर्गत कौन सी होते हैं। ये मुख्यतः मंत्री जो होते हैं हमारे मंत्रालय विभिन्न, वो गठित करते हैं। मंत्री अपने मुख्य जो टॉपिक होते हैं उन पर सलाह देने के लिए गठित करते हैं परामर्शदात्री समितियां, ठीक है। परामर्शदात्री समितियां मुख्यतः मंत्री गठित करते हैं, मंत्री ही इसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। मंत्री गठित करता है, मंत्री अध्यक्ष होगा। ये संसदीय कार्य मंत्रालय के तहत काम करती हैं। जो संसदीय कार्य मंत्रालय है उसके तहत काम करती हैं संसदीय कार्य मंत्रालय। इसलिए सदस्य हो सकते हैं संसद के, जो सदस्य हैं यानी कि सांसद इसके सदस्य हो सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष कौन होगा? मंत्री। गठित कौन करता है? संसदीय कार्य मंत्रालय, ठीक है। ये रिपोर्ट किसको देती हैं? मंत्री को। रिपोर्ट किसे देती हैं? मंत्री को, ठीक है। ये इसके बारे में महत्वपूर्ण सूचना है, इसको याद रखिएगा। संसदीय समिति कौन सी होती है, परामर्शदात्री कौन सी होती है, ठीक है। इसके लिए जो डिफरेंस करने वाली चीजें हैं यही है। मंत्री गठित करता है यानी कि संसदीय कार्य मंत्रालय के तहत काम करती है। जो सपोर्ट होती है सचिवालय की वो संसदीय कार्य मंत्रालय देता है। मंत्री अध्यक्ष हो सकता है इसका, सांसद सदस्य हो सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट किसको देंगे? मंत्री को। भाई हम बात करें संसदीय समितियों की, तो संसदीय समिति के जो संसद सदस्य होते हैं, सांसद ही इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता कोई भी सदस्य जो संसदीय समितियां होती हैं, ठीक है। क्यों? और अगर कोई पहले मंत्री नहीं था, वो संसद का सदस्य था, ठीक है, सांसद था, और वो किसी समिति का, संसदीय समिति का सदस्य था, लेकिन बाद में वो मंत्री बन गया, तो उसे जो संसदीय समिति का जो इसका सदस्य है वहां से हटा दिया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी मंत्री है या फिर बन जाता है तो जो संसदीय समिति है उसका सदस्य नहीं रहेगा। इसको नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष या फिर सदन, जो सदन के दोनों के अध्यक्ष हैं वो नियुक्त करते हैं या फिर निर्वाचित करते हैं, निर्वाचित, नियुक्त या फिर मनोनीत, कुछ भी कर सकते हैं वो जो भी उसके सदस्य होते हैं समिति के, ठीक है। ये रिपोर्ट किसे देंगी? संसदीय समितियां होती है, रिपोर्ट देंगी अध्यक्ष या फिर सभापति को। जो संसद में अगर लोकसभा के ने समिति गठित की है तो अध्यक्ष को रिपोर्ट देंगी, अगर राज्यसभा ने की है तो सभापति को देंगी, ठीक है। इसको सपोर्ट कहाँ मिलती है? कार्यालय सपोर्ट कहाँ से मिलती है? जो हमारा संसदीय सचिवालय होता है वहां से, संसदीय सचिवालय। लोकसभा वाला जो लोकसभा सचिवालय होता है वो राज्यसभा ने अगर समिति गठित की है तो राज्यसभा सचिवालय इसको कार्यालय सपोर्ट या फिर सहायता देता है। याद रखिएगा, संसद सदस्य हो सकते हैं लेकिन मंत्री कोई भी इसका सदस्य नहीं बन सकता संसदीय समिति का। मंत्री कोई भी सदस्य नहीं बन सकता, बाद में भी बन जाता है मंत्री कोई संसद सदस्य तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा संसदीय समिति की सदस्यता से। अध्यक्ष या सभापति होता है, ठीक है, ये कौन निर्वाचित करता है, ठीक है। अध्यक्ष या सभापति ही उसके सदस्यों को निर्वाचित करवाता है, मनोनीत करता है या फिर नियुक्त करता है। रिपोर्ट किसको देती है? अध्यक्ष या सभापति को। संसदीय सचिवालय इसमें कार्यालयी सहायता प्रदान करता है, जो हमारी संसदीय समितियां होती हैं उनको। सांसद होते हैं, मंत्री सदस्य नहीं होता, अध्यक्ष या फिर सभापति है उसके सदस्यों को नियुक्त करता है।
रिपोर्ट अध्यक्ष सभापति को देते हैं। संसदीय सचिवालय इसको कार्यालयी सहायता प्रदान करता है। और इसको याद रखिएगा कोरम कितना होता है, जो संसदीय समितियां होती हैं उसका कोरम कितना होता है, कोरम होता है इसका 1/3, मतलब 33% सदस्य उपस्थित हैं तभी वो काम कर सकती है, ठीक है। और हमारी जो संसद के सदन है लोकसभा राज्यसभा का, उसका कोरम होता है 1/10, लेकिन संसदीय समितियों की बात करें तो 1/3। और ये बहुमत के आधार पर फैसला लेती हैं, बहुमत के आधार पर फैसला, बहुमत के आधार पर फैसला लेंगी ये समितियां, बहुमत के आधार पर फैसला, याद रखिएगा। संसदीय समितियों की विशेषताएं, सांसदी इसके सदस्य हो सकते हैं, मंत्री सदस्य नहीं होता, अध्यक्ष या सभापति उसके सदस्यों को निर्वाचित करवाता है, नियुक्त करता है, मनोनीत करवाता है, ठीक है। रिपोर्ट किसे देंगी, अध्यक्ष या सभापति को जिसने भी समिति गठित की है, लोकसभा की है तो लोकसभा अध्यक्ष को देंगी, राज्यसभा की है तो सभापति को देंगी। संसदीय सचिवालय इसको कार्यालयी सहायता प्रदान करता है, यानी कि लोकसभा का है तो लोकसभा सचिवालय इसको हेल्प करेगा, राज्यसभा की समिति है तो राज्यसभा सचिवालय इसको हेल्प करेगा, ठीक है। ये कोरम होता है 1/3 समितियों में, बहुमत के आधार पर फैसला करती हैं, ठीक है। संसदीय समितियों की बात करें कितने प्रकार की होती हैं, संसदीय समितियां उसकी जो काम करने की अवधि होती है उसके आधार पर दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो स्थायी समितियां और एक तदर्थ समितियां। संसदीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं देखें, तो पहली तो स्थायी परमानेंट, ठीक है, दूसरी तदर्थ, दूसरी होगी तदर्थ जो एडहॉक बोलते हैं इनको, एडहॉक और ये परमानेंट, ठीक है। ये परमानेंट समिति होती है, तदर्थ समिति होती है। परमानेंट समिति भी दो प्रकार की होती है, जैसे एक तो होती है संसदीय समितियां, संसद के अंतर्गत जो काम करती है संसद के नियंत्रण में, एक होती है हमारी विभागीय समितियां, विभागीय समितियां। जो मैंने बजट वाला प्रस्ताव बताया था उसमें मैंने बताया था कि जब बजट पेश होता है तो सबसे पहले आम बहस होती है, बजट पे पेश होने के बाद आम बहस होती है, आम बहस के बाद क्या करते हैं सत्र को स्थगित करते हैं सदन को, और विभागीय समितियों को जो सौंप देते हैं, तो वही विभागीय समितियां हैं ये, ठीक है। संसदीय समितियां जो होती हैं, अन्य अन्य में बहुत सारी समितियां आती हैं जिनको हम देखेंगे, ठीक है। तदर्थ समितियां दो तरह से होती हैं, एक सलाहकारी, दूसरी मान लो क्या होती हैं जो जांच वगैरह करती हैं, जांच समितियां। मान लो कोई भी घोटाला हुआ तो उसके लिए संसद ने जांच समिति बिठा दी, या तो किसी एक सदन की हो सकती है चाहे दोनों सदन की हो सकती है। समितियों का एक और प्रकार होता है संयुक्त समिति और क्या बोलते हैं, एक ही ये संयुक्त होती है दोनों सदनों की, ठीक है, और एक होती है प्रवर, यानी कि एक ही सदन की होती है। संयुक्त समिति मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों ने मिलकर गठित की होगी, दोनों के सदस्य होंगे उसमें, और प्रवर समिति होगी वो केवल एक ही सदन की होगी। तो ये अंतर होता है प्रवर समिति और संयुक्त समिति में। फिर संयुक्त मतलब दोनों सदनों की, लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलकर गठित करेंगे, दोनों के सदस्य होंगे उसमें। प्रवर मतलब एक ही सदन की, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, लेकिन दोनों के नहीं होंगे, होंगी प्रवर। तो सलाहकारी समितियां होती हैं और जांच समिति होती हैं, तदर्थ समिति बोलते हैं इनको। जांच समिति दोनों सदन मिलकर बिठाना चाहे तो संयुक्त समिति बिठा सकते हैं, ऐसे ही सलाहकारी समिति भी दोनों सदन मिलकर बिठाना चाहे तब भी बिठा सकते हैं, ठीक है। सलाहकारी समिति मैंने बताया था, जब भी कोई विधेयक है साधारण विधेयक या फिर कोई भी विधेयक, तो उस पर विधेयक पर जब चर्चा होती है तो पहले तो पेश कर दिया जाता है विधेयक, फिर दूसरे जो उसका वाचन आता है द्वितीय वाचन में क्या करते हैं समिति को भी सौंप सकते हैं। मैंने बताया था उसमें तीन अवस्थाएं होती हैं, समिति अवस्था भी बताई थी। तो जो समिति वाली अवस्था होती है किसी विधेयक के लिए सलाह देने के लिए, किसी विधेयक पर जो समिति गठित करनी थी वो यही थी सलाहकारी समिति। सलाहकारी समिति या तो कोई एक सदन किसी विधेयक पर जांच सलाह देने के लिए या तो कोई एक सदन कर सकता है या फिर दोनों सदनों की संयुक्त समिति भी हो सकती है, या फिर जांच के लिए भी यही वाला नियम है, ठीक है। तो तदर्थ समिति, सलाहकारी, जांच समिति होती है। सलाहकारी समिति वही है जो संसद में कोई विधेयक किसी भी सदन में पेश होता है तो समिति वाली जो अवस्था जाती है वो,
और जब बजट पास होता है तो बजट पेश करने के बाद साधारण आम बहस के बाद जो विभागीय समितियां को सौंप दिया जाता है वो विभागीय समितियां हैं ये, ठीक है। विभागीय समितियों को देख लेते हैं, इनके बारे में सारी चर्चा अभी कर लेते हैं। विभागीय समितियां जो जो भी मंत्रालय होते हैं उससे संबंधित सभी मंत्रालय या विभागों की जांच करती हैं, जो बजट में जो भी अनुदान की मांग होती है उससे संबंधित जो अनुदान की मांगे हैं उनकी जांच वगैरह करती है और सिफारिश करती है, ठीक है। विभागीय समितियां ये कब बनी थी, ये बनी थी 1993 में। कितनी बनी थी, पहले बनी थी 17, फिर 2004 में और बना दी गई 7, ठीक है। टोटल कितनी हो गई, ये हो गई 24। 24 में से 16 लोकसभा के अंतर्गत काम करती है, 8 राज्यसभा के अंतर्गत, यानी कि 8 जो अपनी रिपोर्ट है राज्यसभा के सभापति को देंगी और राज्यसभा का जो कार्यालय होता है सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, उससे ये कार्यालय सहायता प्राप्त करती हैं। 16 समितियां होती हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष को रिपोर्ट करती हैं, उसी के अंतर्गत काम करती हैं और लोकसभा सचिवालय इसको कार्यालय सहायता उपलब्ध कराता है, ठीक है। कितनी होती हैं, 17 पहले थी 1993 में गठित की गई, 7 बाद में आ गई राज्यसभा के अंतर्गत, 8 16 लोकसभा के अंतर्गत। क्यों गठित की गई, जो भी बजट होता है उसमें अनुदान की जो मांग होती है बजट पर, अनुदानों की मांग को जांच पड़ताल करने के लिए कितना खर्च कहाँ किया जा रहा है वगैरह वगैरह, सभी मंत्रालय विभागों की ये जांच करती है जितने भी बजट में होते हैं, ठीक है। इसमें सदस्य देखे कितने होते हैं, सदस्य 21 + 10 = 21 इसमें होते हैं लोकसभा के, 10 होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। टोटल 31 सदस्य होते हैं, टोटल 31 सदस्य होते हैं, 10 राज्यसभा के 21 लोकसभा के, याद रखिएगा 31 सदस्य टोटल, 10 राज्यसभा और 21 लोकसभा के। अध्यक्ष जो होता है इसमें लोकसभा में होता है, 10 का तो वही हो गया 16 का तो लोकसभा अध्यक्ष होता है डिसाइड करता है, और 8 का राज्यसभा का जो सभापति होता है वो डिसाइड करता है इसका अध्यक्ष कौन होगा, ठीक है। अब ये काम करती है ये भी देख लिया हमने कितने सदस्य होते हैं, कब गठित हुई सब देख लिया, विभागीय संबंध में जांच करती है, लेकिन ये वही जांच करती है जो किसी मंत्रालय के दैनिक कार्यों पर प्रभाव न डालती हो, और इसकी जो सिफारिश होती है वो केवल सलाहकारी होती है, कोई भी बाध्य रूप से मानने के लिए मंत्रालय इसको मतलब ऐसा ही करना है इसकी सिफारिश के अनुसार, ऐसा बाध्य नहीं है कोई भी मंत्रालय कि इसकी सिफारिश को मानेगा, यानी कि इसकी जो सिफारिश होती है केवल सलाहकारी है बाध्यकारी नहीं है। 24 समितियां होती हैं, 16 लोकसभा और 8 राज्यसभा के सचिवालय के, यानी कि राज्यसभा के अंतर्गत काम करती है, लोकसभा के अंतर्गत काम करती है, ठीक है। विभागीय समितियों के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन था देख लें, 31 सदस्य होते हैं, 21 और 10, ठीक है। बाकी एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, 1993 में गठन, जो बजट होता है उसकी अनुदान की मांगों पे जांच पड़ताल के लिए, 21 लोकसभा से होते हैं, 10 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। टोटल 31 सदस्य होते हैं, 24 समितियां टोटल हैं, 1993 में बनी थी 17, 2004 में बना दी 7, तो टोटल होगी 24, ठीक है। 16 लोकसभा के अंतर्गत, 8 राज्यसभा के अंतर्गत काम करती हैं, ठीक है। इनकी सिफारिश होती है केवल सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं है, और ये मंत्रालय के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती। कोई भी समिति है उसकी सिफारिश सलाहकारी ही है, बाध्यकारी नहीं है, और वो दैनिक प्रशासन में किसी भी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। कोई भी समिति हो दैनिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, दैनिक कार्य जो भी चल रहा हो। अब जो संसदीय समितियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। बाकी संसदीय समितियां पहले तो दो प्रकार की होती हैं, स्थायी तदर्थ, स्थायी वाली भी दो प्रकार की होती है, संसदीय समितियां और विभागीय समितियां। तो विभागीय समितियों से अन्य को बोलते हैं अन्य संसदीय समितियां, ठीक है। जो अन्य हैं उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेते हैं, 4-5 के बारे में, ठीक है। तीन के बारे में तो अच्छे से पढ़ना ही है, बाकी 2-4 अन्य जो इम्पोर्टेंट हो सकती है कभी एग्जाम में पूछ ली जाए उनको देखना है। पहली है लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमिटी, जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 आया था उसी के तहत 1921 में इसका गठन हुआ था। 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत 1921 में इसका गठन हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। पहले इसमें 15 सदस्य थे, बाद में कर दिए गए 22, यानी कि 22 सदस्य होते हैं इसमें,
22 सदस्यों में से 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और जो इंपोर्टेंट समितियां हैं उनका निर्वाचन होता है, उनमें जो सदस्य हैं निर्वाचित होते हैं, निर्वाचन होता है सदस्यों का। निर्वाचन की जो पद्धति होती है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व जो राष्ट्रपति की है वैसी ही है। एकल संक्रमणीय, ठीक है, ये इसकी निर्वाचन प्रणाली होती है जिससे कि जितने भी सदस्य हैं उन सभी का जो समिति है उसमें भी प्रतिनिधित्व बराबर हो जाए, यानी कि जितने भी दल के पास जितने सदस्य हैं उसी के हिसाब से उसी की परसेंटेज में इसको सदस्य संख्या मिले समिति में। यह देखने के लिए ये निर्वाचन किया गया अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय, ठीक है। कितने सदस्य होते हैं? 22। कब गठन हुआ था? 1921 में सबसे पहले, फिर 1950 से तो जब से हमारा संविधान बना है और तब से तो रेगुलर चली रही है। इसका कोरम कितना होता है? 1/3। सभी संसदीय समितियों का कोरम कितना होता है? 1/3। और बहुमत के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। इसका जो अध्यक्ष है वो लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है कि कौन बनेगा। लेकिन 1967 से एक परंपरा चली आ रही है कि जो विपक्ष का नेता होगा, विपक्षी दल का सदस्य होगा, कोई ना कोई इसका जो अध्यक्ष होगा, इसका जो अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का सदस्य होता है। तो अब तक जो हमने पढ़ा 1921 में गठन, 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। निर्वाचन होता है सदस्यों का, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो डिसाइड करता है विपक्षी दल के सदस्यों में से, ठीक है। अब ये काम क्या करती है? ये काम करती है जो हमारा CAG है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो लोक लेखा है हमारा, यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं, जो लोक लेखा करता है सरकार के विनियोग लेखा की और जो वित्त लेखा है, यानी कि सरकार ने कितना खर्च किया और जितना खर्च करने के लिए सरकार अधिकृत थी उतना ही किया, उसी प्राधिकारी ने खर्च किया कि नहीं, ये सब देखने का काम करता है हमारा CAG। तो CAG की रिपोर्ट पर ये जाँच पड़ताल करती है, CAG की रिपोर्ट की जांच करती है हमारी लोक लेखा समिति। और इसमें CAG इसको सहायता करता है क्योंकि भाई CAG की रिपोर्ट है और वो एक टेक्निकल बंदा है, तो टेक्निकल शब्द इनकी समझ में नहीं आएंगे संसद सदस्यों की में, तो ये CAG इसकी हेल्प भी करता है। तो इसलिए ये लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक, ठीक है, दार्शनिक या फिर मार्गदर्शक भी होता है। अगर क्वेश्चन आए कि लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक, दार्शनिक या मार्गदर्शक कौन होता है, तो CAG, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है भारत का, वही लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक होता है, क्योंकि वो हेल्प करता है लोक लेखा समिति की जो उसकी रिपोर्ट बनाई है CAG ने उसको समझने में, ठीक है। और ये उसी की रिपोर्ट के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाती है, CAG की रिपोर्ट के आधार पर जांच पड़ताल करने का अपनी रिपोर्ट बनाती है उसके, और उसको सदन के समक्ष रखती है। सदन यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष, जो अध्यक्ष होगा जो गठित करता है वही उसी के समक्ष रखती है, यानी कि वो अपने सदन के समक्ष रखवाता है। और ये केवल सलाहकारी संस्था है, अपनी सलाह देती है, बाध्यकारी नहीं है इसकी सिफारिश, और दैनिक कार्यों पर भी प्रभाव नहीं डालती किसी मंत्री के, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली 1921 में गठन हुआ था इसका, जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसके द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा। 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा। कितने सदस्य होते हैं ये भी क्वेश्चन आ चुका है कई बार एग्जाम में। निर्वाचन होता है इसका आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष था वो डिसाइड करता है, लेकिन 1967 से परंपरा चली आ रही है कि जो विपक्षी दल का सदस्य होगा वही इसका अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। इसके जो बहुमत से फैसले लिए जाते हैं बता ही चुका हूँ, ठीक है, और 1/3 कोरम होता है। और ये काम क्या करती है? CAG की रिपोर्ट की जांच करना, CAG उसमें सहायता भी करता है अपनी रिपोर्ट को समझने में कि रिपोर्ट में क्या क्या कैसे कैसे लिखा है, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है, याद रखिएगा। रिपोर्ट समझने में CAG सहायता करता है, विपक्षी दल का इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। विनियोग लेखा या फिर जो वित्त लेखा है, बजट वगैरह या फिर सरकार ने कहाँ कितना खर्च किया है, ये सब देखता है, ठीक है। अगली जो समिति है हमारी वह
लोक लेखा समिति हो गई। अब दूसरी है हमारी एस्टीमेट समिति यानी कि प्राकलन समिति। इन सभी समितियों को जो मैं करा रहा हूं अब, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इनसे, और तीन चार समितियों में से एक न एक तो आती ही है, तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। दूसरी हमारी प्राकलन समिति या फिर एस्टीमेट समिति, प्राकलन या फिर एस्टीमेट, ठीक है। इसका गठन भी लगाओ जो वित्तीय समिति गठित की गई थी 1919 के द्वारा उसी के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका जो गठन है बाद में अलग से समिति बनाई गई थी। पहले जो वित्तीय समिति बनी थी लोक लेखा समिति, वही इसके कार्यों को भी देखती थी, लेकिन अलग से गठन करने की बात की थी जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में इसका गठन हुआ, ठीक है। इसके जो सदस्य हैं कितने होते हैं, 30, सभी लोकसभा के होते हैं, 30 सदस्य होते हैं लोग ये एस्टिमेट समिति में, सभी लोकसभा से होते हैं ये, ठीक है। इसके सदस्यों का भी निर्वाचन होता है, पद्धति वही होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा इसका निर्वाचन होता है, और जो अध्यक्ष है इसका, जो हमारा लोकसभा अध्यक्ष है, वही डिसाइड करता है कि कौन बनेगा, जो भी सदस्य चुने गए हैं समिति के लिए उनमें से किसी को भी अध्यक्ष बना देता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। और वो पक्षकारी होता है यानी कि सरकार का व्यक्ति होता है, जो सरकार है उसी का व्यक्ति होगा, कोई मंत्री इसका सदस्य नहीं बन सकता किसी भी संसदीय समिति का, तो मंत्री को छोड़ के, जैसे बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का कोई भी सांसद होगा जो मंत्री नहीं है वो बन सकता है जो एस्टिमेट समिति है उसका अध्यक्ष, या फिर कोई भी सदस्य, क्योंकि कोई भी मंत्री किसी संसदीय समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। अगर कोई सदस्य बाद में मंत्री बन जाता है तो उसे त्याग पत्र भी देना पड़ेगा, जो उसकी समिति है उससे हटाना पड़ेगा अपना नाम, ठीक है। यानी कि 30 सदस्य होते हैं, 1950 में जॉन मथाई की सिफारिश पर गठन हुआ था, लोकसभा से होते हैं 300 सदस्य इसके, ठीक है। अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है, सरकार का कोई मंत्री यानी कि जो पक्ष वाली पार्टी है, सरकार वाली जो पार्टी है उसका ही कोई सदस्य यानी कि कोई सांसद उसका अध्यक्ष हो सकता है। निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा। कार्य क्या होते हैं, कार्य है इसका बजट में, ठीक है, जो किफायत होती है यानी कि बजट में खर्च कम करने को लेकर यानी कि इसको क्या बोलते हैं, किफायती समिति, क्योंकि ये बजट पर हम कैसे कैसे कम खर्च कर सकते हैं, कम पैसे में वही काम कैसे चला सकते हैं, ये होना चाहिए। बट इसकी जो सिफारिश है वो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो कटौती प्रस्ताव ला रहा है, बट ये होना चाहिए कि हाँ हम इस काम को इतने पैसे में भी कर सकते हैं, हम ये वाला काम करें तो, ठीक है। यानी कि एक तरह से किफायत करती है, यानी पैसे बचाने का सलाह देती है, और इसकी सिफारिश भी सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। कोरम वही 1/3 बहुमत से फैसला, बहुमत सरकार का है तो सरकार के पक्ष में ही फैसला आना है, जाहिर सी बात है, ठीक है। काम क्या करती है, सरकार को बजट में पैसा कम से कम खर्च करके वही काम कर सके जो सरकार करना चाहती है, यानी किफायती समिति भी बोलते हैं इसको, ठीक है। याद रखिएगा, किफायती समिति किसको बोलते हैं, तो एस्टिमेट यानी कि प्राकलन समिति होती है उसी को किफायती समिति भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी CAG की जो रिपोर्ट होती है उसी के आधार पर काम करती है थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन इसमें CAG इसको हेल्प नहीं करता, CAG केवल लोक लेखा समिति होती है उसी को हेल्प करता है, ठीक है। जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में गठन, 30 सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, अध्यक्ष सदस्यों में से लोकसभा का अध्यक्ष है वही चुनता है, लेकिन पक्ष यानी कि सरकार का जो सांसद है, सरकारी पार्टी है उसी का सांसद इसका अध्यक्ष बनेगा। निर्वाचन कैसे होता है, सदस्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, और कार्य क्या है, बजट में खर्च कम करना। जो समिति मैंने लोक लेखा समिति बताई या फिर ये एस्टिमेट समिति बताई या फिर आगे जो भी समिति बनाऊंगा, जो भी स्थायी समितियां हैं उनका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है, जो सदस्य है उनका, ये स्थायी तो है
समिति तो फदा रहेगी, लेकिन इसके जो सदस्य हैं उसका कार्यकाल एक साल के लिए होता है, एक साल बाद नए सदस्य चुने जाते हैं, चाहे उन्हीं को चुनना हो दोबारा से। लेकिन जैसे राज्यसभा स्थाई है, ऐसे ही ये समितियां तो स्थाई हैं, लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल एक साल होता है, एक साल के बाद दोबारा फिर इलेक्शन होंगे, चाहे उन्हीं सदस्यों को चुन ले सदस्य, जो ऐसा अगर चुनाव हो रहा है आनुपातिक व्यक्तियों के द्वारा एकल संक्रमणीय, तो चाहे उन्हीं को चुन ले चाहे नए सदस्य चुने जाएं, लेकिन एक साल के बाद रीइलेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है, एक साल कार्यकाल होता है, जो कि संसदीय समिति है, मैंने बता रहा हूँ या आगे बताऊंगा, एस्टिमेट हो गई, चाहे लोकलेखा हो गई, चाहे हमारी आगे जो पब्लिक अंडरटेकिंग यानी कि अंडरटेकिंग्स यानी कि जो हमारे लोक उद्यम होते हैं, सरकारी उद्यम होते हैं, उनसे संबंधित समिति भी होती है, तो वो भी एक साल के लिए कार्य करती है। प्राकृत समिति एक बार फिर से देख लेते हैं, जौहर मताई 1950 गठन, सदस्य 30 लोकसभा से, अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है, जो पार्टी होती है सरकार में उसी का सांसद होगा, चुनाव होता है, बजट में खर्च को कम करने के लिए होती है, सिफारिश करती है, सिफारिश बाध्यकारी नहीं है, सलाहकारी है, और इसको बोलते हैं किफायती समिति, क्योंकि ये बजट में किफायत की बात करती है। ठीक है, याद रखिए, किफायती समिति एस्टीमेट समिति 30 सदस्य लोकसभा से। अगली जो समिति है सरकारी उद्यम या फिर लोक उद्यम समिति, जो पब्लिक के यानी कि जो सरकार के जो उद्यम होते हैं यानी कि जो इंडस्ट्री है, ठीक है, DRDO इनसे संबंधित जो भी सरकार की जो एजेंसी है, जैसे LIC हो गई या फिर और कोई हो गई, ONGC मान लो सरकार की है तो वो भी हो गई, ठीक है, और भी जो भी कंपनी है, ऐसे मैंने बताया था करंट वाली क्लासेस में कई सारी बता चुका हूँ, ठीक है, HAL हो गई, NAL हो गई, तो वो सारी कंपनियां इसी के अंतर्गत आती हैं, लोक उद्यम समिति या फिर सरकारी उद्यम समिति, लोक उद्यम समिति, ये तीन समितियां मेन हैं, बाकी अगर किसी को याद ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये तीन तो याद रखना है, कमेटी ऑन, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जो सरकारी उद्यम होते हैं उनसे संबंधित समिति, इसका गठन, ठीक है, 1964 में हुआ था, 1964 में, इसमें थे पहले 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से, लेकिन 1974 में क्या किया, इसके सदस्यों की संख्या 22 कर दी गई, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, तो जो लोक उद्यम समिति है उसमें कितने सदस्य होते हैं, 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, ठीक है। इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन होता है वही आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय, जो इंपॉर्टेंट समिति है वो इलेक्शन के माध्यम से ही उनकी संख्या भरी जाती है, ठीक है, 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, इलेक्शन होता है, अध्यक्ष लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है वही डिसाइड करता है, लोकसभा का अध्यक्ष, सदस्यों में से अध्यक्ष चुन लेता है, जो भी सदस्य चुने जाते हैं उसमें से एक अध्यक्ष चुन लेता है, कौन चुनता है, लोकसभा का अध्यक्ष ही इन तीनों समितियों के अध्यक्ष को डिसाइड करता है, ठीक है। ये काम क्या करती है, जो भी सरकारी उद्यम है, सरकारी उद्यम या फिर कंपनियां, उनसे संबंधित एक CAG रिपोर्ट देता है, CAG रिपोर्ट देता है उनसे संबंधित, ठीक है, CAG की रिपोर्ट को जांच पड़ताल करती है, CAG की जो सरकारी उद्यम से संबंधित रिपोर्ट होती है उसी की जांच पड़ताल करती है। सदस्य कितने होते हैं, 22, 15, 7। मुख्यतः सवाल यही आता है कि कब गठित हुई समिति, ठीक है, कितने सदस्य हैं और अध्यक्ष कौन चुनता है, किसके किसको रिपोर्ट देती है। तो लोकसभा अध्यक्ष जब समिति का गठन कर रहा है तो ये सारी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को देती है, अध्यक्ष सदन के समक्ष प्रस्तुत करता है, ठीक है, याद रखिएगा। और इन तीनों समितियों का इलेक्शन होता है, कोरम वही वरवाइजरी, सलाहकारी संस्था है एक तरह से, बाध्यकारी रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं है। और जो ये जांच करती हैं, तब जो दैनिक प्रशासन होता है उनका, उसके बारे में जांच नहीं कर सकती, उसके कोई भी प्रभावित नहीं कर सकती, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती, जो दैनिक प्रशासन के मामले होते हैं लोक उद्यम या सरकारी जो कंपनी है उसमें। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, 1964 में 15 सदस्यों के साथ गठित की गई, 1974 में फिर इसकी सदस्य संख्या 22 कर दी गई, 15 लोकसभा, 7 राज्यसभा, इलेक्शन होता है,
आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा एकल संक्रमणी मत। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है सदस्यों में से एक को अध्यक्ष बना देता है। सरकारी उद्यम या कंपनी होती है उस पर जो CAG हमारी रिपोर्ट करता है उसकी रिपोर्ट की जांच पड़ताल करती है और सिफारिश करती है। ठीक है, ये थी तीन इंपोर्टेंट समितियां, इनको तो रट्टा मार लीजिए क्योंकि ये एग्जाम में आती हैं और एक दो नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब जो समितियां हैं वो इतनी इंपोर्टेंट नहीं है जितनी ये थी, एक विभागीय समितियां और ये तीनों समितियां, ये तीन चार समितियां ही ज्यादा इंपोर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से देखा जाए तो, बाकी तो फिर इतनी इंपोर्टेंट नहीं रही है। बाकी हम दो चार समितियों का नाम देख लेते हैं और उनकी सदस्य संख्या कितनी होती है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक है विशेषाधिकार समिति, बस क्या करती है और कितने सदस्य होते हैं ये देखना है, बाकी कुछ ज्यादा नहीं देखना है क्योंकि ठीक है ये काम करती है, ये अर्ध न्यायिक संस्था है की तरह काम करती है। अर्ध न्यायिक यानी कि समिति तो है, विधायिका भी है और न्याय की तरह भी काम करती है। अगर किसी सदस्य ने, संसद के सदस्य ने या फिर किसी बाहरी व्यक्ति ने संसद या किसी सदस्य के सदन यानी लोकसभा राज्यसभा या किसी सदस्य के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो, क्या विशेषाधिकार समिति है जो मैंने बताया था कि सदन के और सदस्यों के क्या क्या विशेषाधिकार होते हैं, उन्हें कहीं भी बोलने का अधिकार है और सदन को कुछ भी अधिकार होता है, सदन की कोई अवमानना करता है तो उसके लिए दंडित कर सकती है सदन। ठीक है, तो वही चीज है कि सदन का या फिर किसी सदस्य की विशेषाधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो ये समिति जांच करती है। ठीक है, लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा की बात करें तो 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, विशेषाधिकार समिति, ठीक है, 10 राज्यसभा में, 15 लोकसभा में। ठीक है, और एक और होती है अधीनस्थ विधायन समिति, अधीनस्थ विधायन समिति। तो अधीनस्थ विधायन के लिए हमें पहले यह समझना पड़ेगा अधीनस्थ विधायन होता क्या है। जैसे मान लो संसद ने कोई कानून बनाया, संसद कोई कानून बनाती है तो उसमें सारी चीजें नहीं लिखती हो, जो मेन मेन चीजें हैं वो लिख देती है, बाकी बोल देती है कि कार्यपालिका इसके संबंध में जो अधिनियम बनाया हमने उससे संबंधित नियम और विनियम बना सकती है। तो कार्यपालिका नियम और विनियम बनाती है, वो जो संसद ने कानून बनाया उसी के तहत है कि नहीं ये देखने का काम करती है अधीनस्थ विधान समिति। अधीनस्थ विधान समिति जो सरकार के काम है यानी कि सरकार जो भी नियम विनियम बना रही है उससे संविधान का या फिर जो संसद ने कानून बनाए हैं उनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा ये देखने के लिए, यानी कि कानून का उल्लंघन तो नहीं कर रही, यानी कि कानून के खिलाफ जाके कोई भी नियम विनियम तो नहीं बना रही सरकार, तो नहीं कर रही सरकार, ये देखने का काम करती है अधीनस्थ विधान समिति। दोनों सदनों में इसमें 15 सदस्य होते हैं, दोनों सदनों में 15-15 सदस्य होते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी अलग अलग समिति होती है और दोनों में 15-15 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये होती है अधीनस्थ विधायन समिति। कौन सी? अधीनस्थ विधायन समिति। एक FCST से संबंधित समिति भी होती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। FCST समिति, ठीक है, इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, L मतलब लोकसभा, R मतलब राज्यसभा। ठीक है, 30 सदस्य टोटल होते हैं। इसका काम क्या होता है? जो FC आयोग होता है, FT आयोग होता है, उसकी जो रिपोर्ट आती है उसकी जांच पड़ताल करना, और जो सरकार जो कानून बना रही है या फिर नीतियां ला रही है वो FC FT समुदाय के कितने हित में है या फिर विरोध में है ये सब देखने का काम करती है FCST समिति। क्या का काम है? FCST आयोग की रिपोर्ट वगैरह को देखना और FCST समुदाय के बारे में सरकार जो नीतियां बना रही है, कार्य कर रही है, उनसे उनके अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, ये सारा देखने का काम करती है FCST समिति। एक महिला सशक्तिकरण भी समिति होती है, ये संयुक्त समितियां हैं, संयुक्त मतलब होता है दोनों सदनों की समितियां,
लोकलेखा समिति है वो भी संयुक्त समिति है, और जो एस्टिमेट समिति है वो प्रवर समिति है। एस्टिमेट मतलब जो प्राकलन समिति है केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं, वो प्रवर समिति है, ठीक है, याद रखिएगा संयुक्त और प्रवर क्या होती है। और जो सरकारी उद्यम समिति है वो हमारी संयुक्त समिति है, 15+7, ठीक है, ये भी संयुक्त समिति है। एक महिला सशक्तिकरण समिति, इन सबके जो इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए इनके सदस्यों का नामांकन भी हो सकता है, या फिर जो अध्यक्ष सभापति होते हैं वो चुन भी सकते हैं ऐसे ही किसी भी व्यक्ति को जो इच्छुक हो इन समितियों में जाने का, ठीक है। जो तीन महत्वपूर्ण समिति बताई उन्हीं में इलेक्शन होता है, बाकी तो जो अध्यक्ष होता है या फिर सभापति होता है नाम निर्देशित भी कर सकता है या फिर चुन लेता है ऐसे ही किसी को। इसमें भी सदस्य होते हैं 30 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। ये क्या करती है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसकी जो रिपोर्ट आती है उसकी जांच पड़ताल करती है, क्योंकि राष्ट्रीय महिला आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग, ओबीसी आयोग संबंधी जो भी आयोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट देते हैं राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति क्या करता है सदन में प्रस्तुत करवाता है। तो सदन में जब आती है तो उसकी रिपोर्ट की जांच करना ये महिला से संबंधित आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग तो ये करता है, महिला सशक्तिकरण समिति, और एससी एसटी आयोग है तो एससी एसटी समिति जो होती है संसद की वो करती है। और जो सरकार की जो नीतियां हैं महिलाओं के कितने पक्ष में है, सरकार की जो नीतियां हैं महिलाओं के कितने पक्ष में हैं और क्या क्या सरकार उनके लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है, ये सब देखती है महिला सशक्तिकरण समिति, ठीक है। और एक और समिति होती है जो सदस्यों की अनुपस्थिति से संबंधित चीजों को देखती है, ठीक है, ये लोकसभा की स्पेशल समिति यानी कि प्रवर समिति होती है, केवल लोकसभा में ही होती है, जो अनुपस्थिति संबंधी समिति होती है, ठीक है। अनुपस्थिति संबंधी जो समिति होती है वो केवल लोकसभा की होती है, केवल लोकसभा, केवल लोकसभा में होती है, 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। और एक और समिति होती है, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट देख लेते हैं, क्या जो पुस्तकालय समिति है, पुस्तकालय समिति, इसमें ये संयुक्त समिति है, इसमें 6 लोकसभा के 3 राज्यसभा के टोटल 9 मेंबर होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। इनके सदस्यों को अध्यक्ष को जो हमारा अध्यक्ष या सभापति होता है दोनों नाम निर्देशित कर देते हैं, 3 लोकसभा से 6 लोकसभा से 3 राज्यसभा से, ठीक है। एक नियम समिति भी होती है, दोनों सदनों की एक एक नियम समिति होती है, ठीक है, अलग अलग होती है समिति दोनों सदनों में, क्योंकि नियम वगैरह बनाने का जो काम है कौन कर रहा है, सदन अलग अलग कर रहे हैं, सदन अलग नियम होते हैं दोनों सदनों के, तो जो नियम समिति है वो भी होती है, नियम समिति। लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 16 सदस्य होते हैं। ये क्या करती है, जो भी नियम बनाने हैं सरकार, जो भी संसद की कार्यवाही है, सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी, ये सब देखने का काम करती है नियम समिति, ठीक है। बाकी सदस्य वगैरह याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, बस ये क्यों बनती हैं ये देखना इम्पोर्टेंट है, बाकी तो वो तीन जो समितियां बताई हैं मैंने जिसका इलेक्शन होता है वो ही इम्पोर्टेंट है, बाकी संसदीय समितियों वाले टॉपिक में इतना पढ़ना काफ़ी है, ठीक है। तो आज के टॉपिक में इतना ही, कल हम लोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट, कल से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों को एक साथ देख लेंगे, या फिर सुप्रीम कोर्ट करा दूंगा अभी, फिर CAG, फिर राज्य वाला टॉपिक कराऊंगा, उस पर जो उच्च न्यायालय है तब करा दूंगा, ठीक है, जैसा भी ठीक लगेगा उस हिसाब से करा लिया जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।